मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में। आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भर्ती के बारे में। और ये भर्ती ना किसी 5, 6, 10, 20 या फिर 25 पदों पर नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा पदों पर निकली है। अगर आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पे लेवल 9 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है। तो यानी कि पदों की संख्या भी 1000 से ज्यादा है और साथ ही सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आपको इस भर्ती के लिए ना जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इसकी और डिटेल्स क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, जरूरी तारीख क्या है और साथ ही कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बेहद इजी लैंग्वेज में और 1 by 1 सारी चीजें बता देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और बीच में इसको स्किप नहीं करना है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे कई सारे पदों पर भर्ती निकाली है और भर्ती के जरिए 1000 से भी ज्यादा पोस्ट को भरा जाना है। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है, अप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना वहां पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है। वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in, यही वो वेबसाइट है जहां पर आप जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और साथ ही आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। याद रखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस 15 जनवरी से शुरू होगा और आपके पास 28 जनवरी तक का टाइम होगा। 28 जनवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप आखिरी तारीख से पहले पहले वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई एक बार योग्यता तो बता दो, तो मैं आपको योग्यता भी बता देती हूँ। देखिए, वैसे तो पद अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना वो भी अलग होगा। अगर आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री लिया यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप इस भर्ती के एलिजिबल हैं। हम आपको सलाह देंगे कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन की डिटेल जरूर चेक कर लें ताकि आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक, अब इसके बाद ना हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो मिनिमम एज इस भर्ती के लिए 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 37 साल रखी गई है। अगर आपकी उम्र इससे ज्यादा या फिर इससे कम होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जैसा कि हर सरकारी नौकरी के लिए होता है, फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भी सबमिट करनी होगी। सो अगर आप एज अ जनरल कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर करिए कि फीस भी आप भर दें। इसके बाद हम जंप करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सिलेक्ट होने के लिए आपको 2 चरणों से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा। अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और अगर आप इन दोनों चरणों को क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जगह दी जाएगी और आपके पास पहुंच जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, सिलेक्ट होने के बाद आपको पे लेवल 9 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने बीएससी किया हुआ है। आखिरी तारीख 28 जनवरी है, इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।